टैं टैं मैं फिर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहानू देख के मैं बहुत खुश हो जाना है कि मैं उम्मीद करता है कि तुसी मैनू देख के होंदे होवांगे। इस वीडियो दे विच मैं लेके आया एक छोटी जी कहानी। सारी खेड ही साडी सोचन शक्ति दी है, सारी खेड ही साडी दिमाग दी है, ते साडा दिमाग परमात्मा ने बाखूबी बनाया। किसी दे विच इस तरह का दिमाग नहीं है जो ह्यूमन बॉडी दे विच है, जो साडे कोल है। तो आओ उस दिमाग की सही वरतों करते हुए आप अपने जीवन के खुशियां भरीए, ना कि दुख तो ना कि मुसीबत आप अपनी झोली पा सकी। भरना सारे नहीं है, आओ आप खुशियां भर गए हुए इस दुनिया के इंजॉय करिए। कहानी की शुरुआत इस तरह होंगी है, एक बार दो दोस्त कितने एक यहो जे रस्ते जा रहे थे जिथे जंगल से बिया बान से आसे पासे कोई भी नहीं सी। दो दोस्तों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत गूढ़ा प्यार से, पर की होया एक दोस्त एक दूसरा दोस्त नालों थोड़ा जा वड्डा सी ते एक छोटा सी, जै कह लो दो तीन साल का फर्क होएगा। एक 10 साल का सी ते एक 7 साल का बच्चा सी। वो दोनों बच्चे जा रहे सी तां उन्हां दी आपस दे विच किसी गल नूं लै के तू तू मैं शुरू हो जाती है। तो जिहड़ा वड्डा बच्चा हुंदा है तां उसदे एक जोड़ दी जाके मूँह ते चपेड़ मार दिंदा है। तो ज्यों ही उसदे मूँह ते चपेड़ वजदी है, एक वारी तां उसदा रोण वाला मूँह बन जाता है। पर जदों रोण वाला मूँह बनता है तो वह देखता है कि कोल ही ना रेत पई होंदी है जंगल दे विच, जां मिट्टी कह लो, रेत जां मिट्टी उत्थे पई होंदी है। वह फटाफट एक डक्का जिहा चकदा, एक स्टिक चकदा, एक सोटी छोटी जी लै के उस रेत दे उत्ते बैठ के लिखण लग जाता है कि मेरे प्यारे दोस्त ने अज मैनू चपेड़ मारी। ही स्लैप्ड मी, माई लवली फ्रेंड स्लैप्ड मी, उन्हें उस रेत के उत्ते लिखिया। जो लिखिया तो वह वड्डा बच्चा देखता पिया सी, पर उसने उसनू इग्नोर किया। तो वह फिर थोड़ा जा अगे जाके तुरद जाते हैं। तो रस्ते दे विच तुहानू पता है कि बच्चे शरारता तो बिना नहीं रह सकते। उत्थे एक छोटा जा आपां कह दईए खूह टाइप एक छोटा जा खड्डा जा बनिया होया सी। उस खड्डे दे आले दुआले वह मस्ती करन लग जाते हैं। ज्यों ही वह मस्ती करते पे होंदे, वह जिहड़ा छोटा बच्चा सी 7 साल का जिहदी चपेड़ वज्जी हुंदी है, वह तुहानू पता थोड़ा जा नौटी सी, तो शरारता करदा करदा एक खड्डे दे विच डिग जांदा है। हुण उही वड्डा बच्चा जिसने उसदे चपेड़ मारी हुंदी है, वह वड्डा बच्चा उसनू उस खड्डे दे विच्चों बड़े जोश दे नाल, बड़े पैशन दे नाल उहनू खड्डे दे विच्चों कढ़दा है। तो जदों कढ़दा है तो उही छोटा बच्चा जिसने पहले चपेड़ खाधी हुंदी है, हुण उह वड्डे बच्चे ने उसनू बचाया हुंदा है। वह फटाफट जाता है तो उत्थे कोल एक वड्डा सारा पत्थर हुंदा है, वड्डी सारी पहाड़ी हुंदी है। उत्थे नीचे देखता है कि उसनू कोई लोहे की कोई वो आप किल कह दीए जां पेच मिल जाता है। उस पेच के नाल उस पहाड़ के उत्ते जाके लिख दिंदा है कि माई मोस्ट लवली फ्रेंड सेव्ड मी टूडे, अज मेरे सब तो प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। उस पत्थर के उत्ते लिख के जदों वह तुरद है तो हुण वह वड्डा बच्चा जिसने पहली चीज़ को इग्नोर किया सी, हुण इस चीज़ को बड़े ध्यान नाल देखदा पिया। पूरे ध्यान दे नाल देखण तो बाद जदों वेखदा कि अज इहने पत्थर दे उत्ते की लिखिया, तो उहनू जाके प्यार नाल पुछदा वी तू ऐ क्यों किया, जदों मैं तेरे चपेड़ मारी सी तां तू उदों रेत उत्ते लिखिया, अज मैं तेरी जिहड़ी हुण तेरी जान बचाई आ ते तू पहाड़ उत्ते लिखदा पिया इस तरह मेख दे नाल, नट दे नाल, पेच दे नाल। तां उह छोटा जिहा बच्चा मुस्करा के कहिंदा वीर जी तुसीं मैनू मारिया, ते मैं उत्थे रेत उत्ते लिखता सी। थोड़ी देर बाद हवा चलेगी, नैचुरली ओबवियसली हवा चलेगी, वो रेत उत्ते लिखिया होया मिट जाएगा, पर जेरा मैं पत्थर दे उत्ते लिखिया ये सारी उम्र नहीं मिटेगा। जे आप 15 साल बाद भी इस जगह तो टपांगे तो उस पत्थर दे उत्ते लिखिया होएगा कि माई मोस्ट लवली फ्रेंड सेव्ड मी टूडे, तो मैनू याद रहेगा। हुण वड्डे बच्चे दियां अखां दे विच शर्म सी, ते शर्म दे नाल उस दियां अखां नीवियां पै गईयां सी, ते सिर उसदा झुक गया सी कि मैं एडे स्याणे बच्चे नूं चपेड़ क्यों। प्यारे दोस्तों कहानी इत्थे सारी खत्म हुंदी है, ते कहानी दे विचों इक एड्डी वड्डी सिक्ख्या निकल के बाहर आंदी है। मेरी जिंदगी दे विच तां बड़ा वड्डा बदलाव आया इस कहानी नूं सुण के कि जिहड़े लोक साडे नाल माड़ा व्यवहार करदे आ उस दियां गल्लां नूं सानूं भुल जाणा चाहीदा है, क्योंकि जे असीं उस चीज़ां नूं ना भुल्लांगे उह चीज़ां सानूं हर्ट करनगियां। जे असीं उन्हां चीज़ां नूं अपने दिमाग विच रखांगे तां उह इस तरह बलदे होए कोले वांगू है, जिहड़ा मैं अपनी मुट्ठी उत्ते रख के बैठा उह मैनूं पहलां ज़्यादा साड़दा पिया, क्योंकि मैं मुट्ठी विच रख के बैठा कि जिहड़ा मेरे कोलों दी टप्पेगा उहदे उत्ते सिट्टूंगा, जिन्हें मेरी बेइज्जती कीती होएगी, पर उह पहलां मैनूं साड़ चुक्किया होएगा।
सिमिलरली ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜੈਲਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾੜਾ ਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੋ, ਲਾਲ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਥੰਬਸ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਫਿਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।